आज हम लोग ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहां का पूरा पानी काला है। तो आप सभी का स्वागत है और आज हम जा रहे हैं एक ऐसे जगह पे जहां पे सिर्फ काला पानी पाया जाता है, यानी कि वहां पे कुछ तालाब सब बना हुआ है और वहां पे पानी जो आता है वो पूरी तरीके से काले रंग में परिवर्तित हो जाती है। तो आज हम लोग वहीं पे जाने वाले हैं और ये जो काला पानी है ये बलरामपुर से लगभग 8-10 किलोमीटर अंदर घुसकर जंगल साइड में पड़ता है। वहाँ पर जाने के बाद आप लोगों को वहाँ का हम दृश्य दिखाते हैं कि किस तरीके का वहाँ का पूरा सीन है, कैसा है वो जगह। ये जो काले पानी के जाने का रास्ता है ये कुछ गांवों से होकर गुजरता है, कुछ गांवों से होकर ये काला पानी वाला रोड गुजरता है और ये पवल फाल जाने वाले रास्ते से ही कटकर एक रास्ता निकलता है जिस रास्ते से होते हुए हम काला पानी जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे घर बने हुए हैं और एक एक गांव है, गांव के जस्ट बगल में ही जहाँ पे पानी रोकी गई है, यानी कि कुछ झरना है कोई फॉल, और उसी तरीके की और भी नदियाँ झरने हैं जहाँ से पानी आती है और जहाँ पे उस पानी का ठहराव किया गया है उसी जगह को काला पानी बोला जाता है। और वहाँ का पूरा जो पानी है वो पूरी तरीके से काला दिखाई पड़ता है देखने में। और वहाँ पे बहुत सारे जो पेड़ पौधे थे वे ज़्यादा पानी होने की वजह से सूख गए हैं, जिस वजह से उसका नज़ारा और उसका जो सीन है वो और भी ज़्यादा बेहतरीन लगता है। तो यह है प्रवेश द्वार, यह है प्रवेश द्वार जहाँ से होते हुए हम काला पानी और कोई फॉल दोनों जगहों पर जा सकते हैं। आगे एक और रास्ता है जहाँ से काला पानी जाने का रूट अलग हो जाता है और कोई फॉल जाने का रूट अलग हो जाता है। यहाँ पे काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इसमें से काला पानी जाने वाला रोड कौन सा है, ये बहुत कम लोग ही जानते हैं, जो कभी नहीं गए उन्हें समझ में भी नहीं आता। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में आप सभी को रास्ता भी दिखाएंगे कि किस रास्ते से कटना है, यानी कि किस रास्ते से अपने बाइक को मोड़ लें ताकि आप काला पानी पहुँच जाएँ। तो चलो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। मैं इसी जगह की बात कर रहा था, यहीं पे काफ़ी लोग रास्ता भटक जाते हैं कि काला पानी जाने वाला रोड कौन सा है और कोई फॉल जाने वाला रोड कौन सा है। तो अभी मैं उस जगह को दिखाऊंगा आप सभी को जहां से आप सभी को कट लेना है, जिससे आप लोग दोनों जगह जा सकते हैं, काला पानी भी और कोई फॉल भी। तो ये वाला जो रोड है, ये जो इधर आप लोग देख पा रहे हो ये पानी टंकी वाली, इस रोड में आप लोगों को जानी है। और ये वाली रोड है आने वाली जिधर से हम लोग आएंगे, और ये जो सीधा है इस पार ये वाला सीधे पौई फाल जाता है और ये वाला रूट काला पानी जाता है। तो फाइनली अब हम लोग पहुंचने वाले हैं काला पानी, पहुंचने वाले हैं गाइस। ये देखो भाई सीन, ये है आगे का सीन। तो यहाँ पे मैं पहुंच चुका हूँ, बट यार बारिश होने लग गई, एक से एक प्रॉब्लम हो ही रही है भाई। अभी यहाँ पे बारिश होने लग गई है, आप लोगों को पता नहीं शायद दिख रही होगी या नहीं, बट बारिश होना स्टार्ट हो गई है। आप लोग देख सकते हो इधर पूरा बारिश होना स्टार्ट हो गई है, बारिश होना स्टार्ट हो गया है। बस बादल तो उतने ज़्यादा हैं ही नहीं, बट फिर भी बारिश होना ही चालू हो गया। बस थोड़े से बादल हैं और इसमें ही बस बारिश होना चालू हो गया। और कल रास्ते में गम मिल गया था, तो थोड़ी सी बारिश आ रही थी जिस वजह से भाई पूरा एकदम हल्का हल्का भीग चुका हूँ, बट सीन काफ़ी मस्त लग रहा है। यहाँ आने के बाद भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे बेहतरीन लग रहा है, और ठंडी ठंडी जगह है भाई, और ऊपर तो भाई बादल वगैरह पूरे साफ़ हो चुके हैं अभी, क्योंकि कुछ देर पहले भाई काफ़ी ज़्यादा अंधेरा टाइप से बादल किया हुआ था। और अब वक्त आ गया है कि आप लोगों का इंतज़ार अब यहीं पे ख़त्म होना चाहिए,
और ड्रोन शॉट आप लोगों को दिखाना चाहिए। तो चलो अब ड्रोन शॉट इंजॉय करो इस प्यारी सी जगह का गाइस। की बैटरी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है जिस वजह से यहाँ से आगे है पॉई फॉल। इधर जंगल एरिया में पॉई फॉल है भाई, काफ़ी मस्त और एक नंबर का वाटरफॉल है भाई। काफ़ी दूर से यानी कि काफ़ी ऊपर से पानी आता है। वहाँ का वीडियो हम बहुत जल्द अपने चैनल पे अपलोड करेंगे ड्रोन शॉट के साथ। कमेंट कर देना कि ये वाला सीन कैसा लगा और कैसा है ये पूरा जगह कालापानी, कैसा लगा आप लोगों को। और बाद में कि भाई वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो इसी के साथ हमारी जर्नी यहीं पे समाप्त होती है।